से जो शुरुआत हुई भारतीय विधाओं पर चर्चा की, मेरा अटूट विश्वास है देश के कोने कोने से लोगों ने जो देशभक्ति पर गीत लोगों का योगदान चाहिए और देश को आगे करके जो धन्यवाद करता हूँ भारत माता की। जो देश का भविष्य है ऐसे युवा वर्ग, उनको गर्व है अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी पे कि आम जनता से सीधा संपर्क करने का माध्यम यानी कि मन की बात, उसके 100वां एपिसोड आदरणीय पंतप्रधान जी के द्वारा ये पूरा होने जा रहा है। तो पूरे मुंबई में ऐसे 36 विधानसभाओं में युवा मोर्चा द्वारा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है 18 से 25 साल के ऐसे युवा वर्गों को लेकर साथ में 36 स्थानों पे मन की बात का कार्यक्रम किया गया है और बहुत बड़े एक उत्साह की लहर पूरे मुंबई में युवा वर्ग में देखने मिली है। बिल्कुल आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ने भारत देश को विश्वगुरु बनाने के राह पर तो लेकर चले हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्वदेशी का जो नारा है वो कभी नहीं भूले। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको आज के मन की बात में, जो पहले की मन की बात के द्वारा उन्होंने आम जनता के बीच में, लोगों के बीच में अपना विषय रखा था, चाहे वो किसी भी आम एक व्यापारी का व्यापार बढ़ाना हो या कुछ हटके कोई आम नागरिक कर रहा हो कार्य, उसको उजागर करना हो, तो उनके मन के बात के कार्यक्रम के वजह से ऐसे छोटे छोटे गांवों में जो व्यवसायक है उनका व्यवसाय बड़ा है और उसका लाभ सीधा ऐसे गांवों में, ऐसे राज्यों में, ऐसे व्यवसायों को मिला है। ये बहुत ही बड़ी एक प्रशंसा वाली एक बात, ये देश के नागरिकों को गर्व की बात अपने आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी पे है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के मन की बात में हम सबको देखने मिला है। बिल्कुल सिर्फ आज की नहीं, जब भी मन की बात होती है तो देश भर के सभी नागरिक और देश भर के सभी मंत्री ये सब आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं और देश के कोने कोनों में प्रत्येक राज्यों में क्या चल रहा है, कैसे स्थिति और कैसे व्यवसायक है, ये सब के बारे में जानकारी लेने के लिए सभी उत्साह में रहते हैं। और आज आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय पीयूष गोयल जी, उनका मुंबई दौरा है, तो इस दौरा के दौरान उन्होंने मुंबई में आम मुंबई करों के साथ मन की बात सुनने की इच्छा रखी, इसकी हम सभी को एक खुशी है। बिल्कुल नहीं, ये कोई भी बीएमसी चुनाव या कोई भी चुनाव को जोड़ने वाली बात नहीं है, ये आज पूरे देश भर में सभी नागरिकों के द्वारा एक इतिहास रचा गया है कि करोड़ों की संख्या में आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की 100वीं मन की बात, उसको सुनकर सब लोगों ने सामूहिक तरीके से एक इतिहास रचा है और एक रिकॉर्ड बनाया है। नमस्कार, मैं महिला मोर्चा महामंत्री और मैं शक्ति केंद्र के नाते हमें राजस्थान आज 100वां एपिसोड मन की बात का कार्यक्रम हमने यहाँ पे लिया था, तो आज सब स्कूल कॉलेज के बच्चों ने भी अटेंड किया था, तो हमने उनके सबने बैठ के मन की बात मोदी जी के 11 से 11:30 जो रेडियो पे आता है जो सुना था, और बच्चों से भी बात हुई तो वो बोलते हैं हमको ये बहुत प्रेरणादायक लगता है। हमने उनको पूछा कि मोदी जी की क्या चीज़ें आपको प्रेरणा देती हैं, तो उन्होंने बोला कि मोदी जी ने जो जीपे पेटीएम मेट्रो चालू की है इसकी सुविधा हमको दी है, एसी बस की कनेक्टिविटी की सुविधा एवरशाइन से मलाड स्टेशन तक दी है, अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता तो हम भी कुछ कर सकते। बच्चों ने बताया हम पायलट बनना चाहते, कोई डॉक्टर बनना चाहते, कोई इंजीनियर बनना चाहते। फिर हमने उनको बताया कि आज मोदी जी ने 100 रुपये का कॉइन लॉन्च किया है। बहुत ही बढ़िया, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मन की बात में जो लोगों ने आपने सुना, हमने सुना, आपने भी सुना है कि जो लोगों ने तरक्की करके दिखाया मन की बात सुन के, वो लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है कि मोदी साहब ने जो अनेक क्षेत्र में अनेक लोगों के लिए फैसिलिटी दिए हुए, अलग तरीके से काम धंधे के लिए करने के लिए, अपना स्वयं का स्वयं कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए जो आज लोन दे रहे, लोन का जैसा अभी हमने 2,500 के ऊपर
मेडिकल कार्ड ज्योतिराव फुले का बना है, ये जो हमारा जो पंतप्रधान प्रधान है उनकी देन है हमारे लिए। और वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में, अभी तो 100 है, हमने तो 100 का 100 प्रोग्राम किए हुए, लेकिन हर प्रोग्राम में हर शहर का कोई व्यक्ति के लिए जो क्या किसी ने किया हुआ है अपने बलबूते के ऊपर, उसका स्टोरी बताने के लिए बोल देते, उनसे बातचीत करते, वो हमें सब मालूम पड़ता है, बाकी लोगों को ले पता लगता है। युवा के लिए एक प्रेरणा है। और मैं तो बोलती है, जैसे अभी हमारे किसी ने अभी बोला हुआ है यूनुस भाई ने और भी, कि भाई यूथ ही आगे जाके सब देश के लिए जो है संभालेगा, तो यूथ ने आगे आके एक कदम आके, जैसा तेजिंदर सिंह तिवाना ने मुंबई अध्यक्ष आज न्यू वोटर के लिए प्रोग्राम इसमें इन्वॉल्व होके जो लोगों के लिए बताया कि न्यू वोटर है और फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे, ऐसे अनेक काम हम भी हमारा पंतप्रधान मिलके कर रहे और आगे भी करते रहेंगे। आगे भी जितना एपिसोड होएंगे ऐसे ही धूमधड़ाके से करेंगे। राष्ट्र को और सभी लोगों को, मैं सुनने वाले को सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग शांति से अच्छी तरीके से जो हमारे पंतप्रधान साहब ने जो बताया वो बात सुना, इसलिए धन्यवाद। ऐसा है कि आज नहीं सिर्फ मलाड़ के अंदर और नहीं सिर्फ मुंबई के अंदर, भारत के देश के अंदर, बड़े 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 विश्व के अंदर एक उत्साह के साथ में नरेंद्र मोदी जी के 100वां एपिसोड मन की बात का कार्यक्रम नहीं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नहीं सिर्फ समाज के विभिन्न समाज सेवी लोग, बल्कि आम लोग अपने अपने सोसाइटी के अंदर, अपने अपने घरों के अंदर बड़े उत्साह से मना रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जब अपनी मन की बात कहते हैं तो आम लोगों को ये लगता है कि वो ये प्रधानमंत्री की मन की बात नहीं बल्कि हमारी बात करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री लोकहित का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी संदेश हो, तो ये मन की बात के माध्यम से हर बार देते हैं। और आज 100वां एपिसोड ये हुआ है, ये 100वां एपिसोड ऐतिहासिक है और इसका पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड तो बनेगा ही बनेगा। मैं आज अगर मलाड़ के अंदर बात करूंगा तो ये जो यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना की तरफ से नहीं सिर्फ मन की बात का कार्यक्रम बल्कि विशेषता ये कार्यक्रम की ऐसी है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो आज यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित है, जो आने वाले 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार वोट देकर उनको प्रधान बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों के अंदर भारी मतों से आएंगी। इसके लिए फर्स्ट टाइम वोटर ये जो यहाँ पर आए, मैं मेरी ओर से तेजिंदर तिवाना और उनके पूरे टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मन की बात प्रोग्राम जो मोदी जी ने स्टार्ट किया है वो पब्लिक से डायरेक्ट 1-to-1 बात करने की कोशिश की है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे पहले कभी कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है जो पब्लिक से डायरेक्टली 1-to-1 आके बात करते, और ये प्रधानमंत्री मोदी की बहुत यूनिक बात है, और जो कि आज के प्रधानमंत्री से लेके जितने भी प्रधानमंत्री हो सबको ये फॉलो करना चाहिए और सारे नेताओं को फॉलो करना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि देश का आम आदमी क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है, और वैसा ही आगे फ्यूचर अपना काम करते रहे हम लोग। जी, देश वो मोदी जी को भी पता है और सबको पता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेकर देश को क्या चाहिए, और जैसे ही सबको मन की बात, सबकी मन की बात मोदी जी जानते हैं, वैसे मोदी जी की मन की बात भी सब जानते हैं, और सबको पता रहना चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और हमें गर्व है मोदी जी पे और उनके, मतलब जो भी उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया उनसे हमें प्रेरणा मिला है और हमें बहुत सी चीज़ें हमें सीखने मिलती उनके मन की बात से, हमें नई नई चीज़ें सीखने मिलती है, लोकल फॉर वोकल, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, हम उससे बहुत सारे प्रभावित हुए हैं। थैंक यू। हम तो इतना ही बोलना चाहते हैं, तेजेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बस भारत को जानो और भारत को खोजो कार्यक्रम है, इसमें भारत की प्रतिभा को प्रेरणा देना और नवयुवक पूरी जनता को प्रेरणा देना दोनों साथ है। एक तो जो साहसिक कार्य करते हैं उनके उनके साहस को आगे बढ़ाना और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना, उनकी प्रतिभा का धन्यवाद करना और हमारे अन्य लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम है। आप भारत के संयुक्त परिवार में देखा होगा जब साथ में बैठ के घर के बुजुर्ग ऐसी कहानियाँ कहते थे जिससे युवा वर्ग में आगे वाली टीम में एक नई संरचना, एक नई संस्कृति का आह्वान होता था। इसलिए मन की बात एक्चुअली भारत को खोजो, भारत को जानो कार्यक्रम है।
उसमें हमें लगा ये पंत प्रधान जो है कोई विशेष नहीं है, वो हम सभी के लिए सोचने वाला, हमारी छोटे से छोटे विषय के बारे में सोचने वाला वो हमारा पंत प्रधान है। हमारे लिए जो एक छोटे से छोटे आम पब्लिक का जो विषय था, उस विषय को उन्होंने जन तक इस तरह से पहुंचा दिया भी सबको लगने लगा ये हमारा जो पंत प्रधान है हमारे छोटे से छोटे विषय पे हमारे सोच रहा है, वो छोटे से छोटे विषय पे भी सोच रहे हैं और हमारा G20 के विषय पे भी सोच रहे हैं। तो उनका जो विषय है इतना बड़ा विशाल है, ये हम सभी को जोड़ दिया इस विषय के साथ में। और 100वें जो एपिसोड है उन्होंने आज इतने मन की बात कही, हमारे आंखों से अश्रु आए भी, जो लोगों से किस तरह से वो जुड़ते हैं, तो मैं उनको तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतने लोगों से वो जुड़ चुके हैं।